हेलो गाइस, क्या हाल है आप सभी के। स्वागत करते हैं आपका अपने चैनल पे। और आज वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज कोई एक गाड़ी के प्राइस नहीं बताऊंगा, एक गाड़ी का स्पेसिफिकेशन नहीं बताऊंगा, बहुत सारी गाड़ियों का बताऊंगा। तो इस साइड आप देख सकते हो कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं, और इधर भी गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं। तो आज हम लोग जो है बजाज की सभी गाड़ियों की प्राइसिंग, स्पेसिफिकेशन, थोड़ा बहुत फीचर भी बताऊँगा आपको, ये सब चीज़ों को कवर करने वाले हैं। और अगर आपको कोई भी गाड़ी लेनी तो आप जो है GPS बजाज पुरनिया पे कांटेक्ट कर सकते हो। स्क्रीन पे नंबर है, डिस्क्रिप्शन में सारा मैप, लोकेशन, एड्रेस, हर चीज़ डाल के रखा हुआ है। तो हाय गाइस, मेरा नाम है स्वप्निल श्रीवास्तव और आप देख रहे हो स्वप्निल श्रीवास्तव व्लॉग्स। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर गाइस आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो स्वप्निल श्रीवास्तव व्लॉग्स से। तो गाइस, आज मैंने लिस्ट पूरी जो है अपने हाथों में ले ली है, और सभी गाड़ियों के जो है हम आपको एक्स शोरूम प्राइस और लखनऊ में ऑन रोड कितने प्राइस पड़ते हैं, तो वो सब चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं। तो जल्दी से इस लिस्ट को ओपन करते हैं। तो सबसे पहले गाड़ी जो है हमारी, यहाँ पे आपको बजाज की जो हमारी CT 110X गाड़ी है, यहाँ पे देख सकते हो इलेक्ट्रिक स्टार्ट गाड़ी है। ये गाड़ी हमारी जो है ज़्यादातर जो है हमारी क्या कहते हैं लोडिंग्स के लिए जो इस्तेमाल करी जाती है। बाकी ये गाड़ी काफ़ी बढ़िया है। ये गाड़ी का हमारा माइलेज जो है 60 का आ जाता है, बल्कि उससे ज़्यादा ही आ जाता है। और इस गाड़ी में जो है पूरा मेटल का जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। सो इस गाड़ी की जो है आपको एक्स शोरूम प्राइस जो है वो 69,229 की पड़ती है। और ऑन रोड की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे ऑन रोड की प्राइसिंग जो है 84,073 रुपीस की पड़ जाती है। अब इस गाड़ी में देख सकते हो आपको जो है पीछे आपको हाइड्रोलिक सस्पेंशन मिल जाते हैं, काफ़ी बढ़िया लुक मिलता है। इसमें ग्राफिक्स का कितना यूज़ किया गया है, सीट कम्फर्ट बहुत ज़्यादा है, और पीछे कैरियर देख सकते हो इसका कितना ही बढ़िया है। सो अब जो हमारी नेक्स्ट गाड़ी है, जो कि हमारी माइलेज के लिए जानी जाती है और बहुत बढ़िया गाड़ी है, तो हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर प्लैटिना की। प्लैटिना में हमारी जो है दो गाड़ियाँ आती हैं, एक है हमारी इलेक्ट्रिक सेल्फ और दूसरी हमारी होती है किक स्टार्ट। तो देखो, इलेक्ट्रिक वाली जो हमारी है स्टार्ट, इलेक्ट्रिक स्टार्ट गाड़ी है, 100cc की प्लैटिना की गाड़ी हमारी, जो कि हमारी 100cc की गाड़ी है। इसकी एक्स शोरूम प्राइसिंग तो यार गाइस 67,379 रुपीज़ की है, लेकिन बात कर लेते हैं इसकी ऑन रोड प्राइस, तो इसकी ऑन रोड प्राइस जो हमें पड़ती 81,925 रुपीज़ की। ये गाड़ी भी हमारी लोहा लाट गाड़ी है, काफ़ी बढ़िया इसमें फंक्शन मिल जाते हैं। साथ में इसका जो TFT और जो इसका डिज़ाइन है वो भी काफ़ी बढ़िया लगता है। इस साइड देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा जो बढ़िया फुटरेस्ट की क्वालिटी बनाई गई है, काफ़ी अच्छा जो है इसके एग्जॉस्ट पे भी काम किया गया है, और गाड़ी भी जो है काफ़ी प्रीमियम लगती है देखने में। माइलेज भी काफ़ी बढ़िया दे देती है, 70 to 75 काफ़ी बढ़िया माइलेज मिल जाता है। बहुत लोग तो इससे 80 का भी जो है माइलेज निकाल लेते हैं। इस साइड देख सकते हो हमारी गाड़ी खड़ी है, जो कि हमारी जो है इलेक्ट्रिक स्टार्ट नहीं है, किक पे मिल जाती है। तो हमारी ये गाड़ी जो है सिर्फ इसमें किक मिलता है, और यहाँ पे देख सकते हो इसके कितने बढ़िया जो है ग्राफिक्स मिलते हैं। ये सारी गाड़ियाँ जो आप देख रहे हो E20 वाली हैं। तो किक स्टार्ट की जो है आपको एक्स शोरूम प्राइस जो है 59,699 रुपीज़ की पड़ती है। और एक बार इसके एरोगोनॉमिक्स पे जो है इसके नज़र डालिए, देखिए इसमें जो है सस्पेंशन जो है गोल्डन कलर्स के जो इस्तेमाल किए गए हैं हाइड्रोलिक्स में, साड़ी गार्ड भी इसमें दे के रखा गया है, और यहाँ पे लिखा भी है बहुत बढ़िया तरीके से इसमें बैचिंग करी गई है, और प्लेटिना है, पूरा भरोसा है ही। और इसकी ऑन रोड प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं तो अगर आप किक वाली लेते हो तो 73,365 रुपीज़ की हमारी पड़ेगी। सो भाई, हम लोगों ने अभी तक की 100cc की प्लेटिना को कवर किया है, और अब हम लोग जो है यहाँ पर कवर करेंगे प्लेटिना 110cc में। 110cc में भी जो हमारे पास प्लेटिना खड़ी हुई है, ड्रम ब्रेक्स हमें मिलते हैं इसमें, डिस्क ब्रेक नहीं मिलते हैं, काफ़ी बढ़िया यहाँ पे देख सकते हो इसके डायनेमिक्स लगते हैं। साथ में इसमें जो है आपको टैंक के ऊपर जो इसका टैंक काउल मिल जाता है, सीट कंफर्ट काफ़ी बढ़िया है इसमें, ये देख सकते हो यहाँ पे जो है आपको कम्फर्ट टैक है। और ये गाड़ी जो है आपको प्लेटिना 110 में जो है वो आपको जो है सेल्फ स्टार्ट मिलती है। तो इसकी प्राइसिंग के बारे में हम आपको बात करते हैं, तो इसकी एक्स शोरूम जो प्राइसिंग है हमारी प्लेटिना 110 की ड्रम ब्रेक्स वाली, तो वो हमारी जो है एक्स शोरूम में 70,720 रुपीज़ की पड़ती है, और ऑन रोड की बात करते हैं लखनऊ में तो 85,749 रुपीज़ की पड़ती है। इसमें यार देखो, इसका जितना भी बॉडी है उसको जो है पूरा ब्लैक में करा गया है, काफ़ी बढ़िया लुक इसमें आता। तो भाई, प्लेटिना 110cc को जो हमने कवर किया, अब हम लोग बात करते हैं यूथ की पहली पसंद है गाड़ी 125cc में, भाई पल्सर की NS125। शोरूम पे भाई यहाँ पे तीन कलर मुझे दिख रहे हैं, ब्लू कलर, ऑरेंज कलर और ग्रे कलर। तो यहाँ पे देख सकते हो ये ब्लैक कलर भी कह सकते हो, ये ब्लैक कलर, ऑरेंज कलर और ब्लू कलर उस साइड खड़ा हुआ है। ये गाड़ी जो है आपको जो है यूथ के पहली पसंद आती है, ये गाड़ी के लुक्स काफ़ी बढ़िया है, और ये गाड़ी आपको माइलेज भी जो है 50+ का दे देती है। और ये गाड़ी के यार देखो, लीन कराने में और जो इसको भगाने में जो मज़ा आती है वो काफ़ी बढ़िया है। 125cc का इसमें इंजन मिलता है। मैंने भी जो है भैया अपनी एवेंजर से पहले यही गाड़ी को जो है पसंद किया था। और इसकी प्राइसिंग के बारे में यार देखो बात करते हैं तो एक्स शोरूम प्राइसिंग जो है इसकी NS
इसकी जो है 101,261 रुपये की पड़ती है, और लखनऊ में इसकी ऑन रोड प्राइस जो है वो 1,20,066 रुपीज़ की पड़ जाती है। बाकी यार इसमें देखो ऊपर नीचे प्राइजेस होते रहते हैं, आपको कोई भी गाड़ी लेनी या क्वारी आती तो आप जो है स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हो। ये हमारी NS थी, और भी जो है इसमें 125, अब बात कर लेते हैं कार्बन एडिशन, जिसको हमारे को बहुत लोग होते हैं इस टाइप में नहीं लेना चाहते हैं, नॉर्मल लेना चाहते हैं गाड़ी, तो वो इस साइड देख सकते हैं हमारी। यहाँ पे हमें मिलती है पल्सर 125, ये हमारी जो है कार्बन एडिशन में सिंगल सीट है, और ये पल्सर हमारी जो है रॉयल लुक है, और ये पल्सर हमारी काफ़ी ज़्यादा जो है फेमस भी है बजट सेगमेंट में, ये काफ़ी बढ़िया हमारी जो है इसमें पल्सर मिल जाती है। और इसमें जो है हमको हैंडल्स मिलते हैं वो भी क्लिप ऑन हैंडल्स मिल जाते हैं, इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो भी काफ़ी बढ़िया है। तो इसकी प्राइसिंग के बारे में हम देखो बात करते हैं, इसकी प्राइसिंग के बारे में बात कर लेते हैं, तो यार ये जो है हमारी 89,632 रुपीज़ की है एक शोरूम में, जो कि हमारी ऑन रोड पे 1,07,815 रुपीज़ की पड़ जाती है। और इसमें यार बगल में जो है नियॉन कलर एडिशन खड़ा है, नियॉन एडिशन है मतलब, तो इसकी जो है आपको एक शोरूम 79,514 रुपीज़ की पड़ती है, और ऑन रोड जो है ये आपको पड़ जाती है 96,430 रुपीज़। अब यहाँ पे बात करते हैं स्प्लिट सीट में हमारे जो आ जाती है पल्सर, तो स्प्लिट सीट में जो है सबसे आगे खड़ी हुई है, ये आप देख सकते हो पल्सर 125cc की स्प्लिट सीट में कार्बन एडिशन है, तो ये काफ़ी बढ़िया आपको जो है पल्सर मिल जाती है। इसमें जो है आपको डिस्क ब्रेक मिल जाती है आगे, आप देख सकते हो, तो ये काफ़ी बढ़िया है, और इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है ये गाड़ी चलाने में भी काफ़ी खूबसूरत लगती है। और इसकी प्राइसिंग के बारे में मैं बात कर लेता हूँ, एक शोरूम प्राइसिंग यार 92,602 रुपीज़ की है, और ऑन रोड की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो ये हमें पड़ती है 111,135 रुपये की, जो कि काफ़ी बढ़िया है। सो यार जैसे अभी मैंने जो है पल्सर 125cc की सारी गाड़ियाँ आपको बताया, कार्बन एडिशन जो है मैंने सब कुछ आपको बताया, तो अब जो है यूथ की एक और बहुत ज़्यादा जो है पसंद है गाड़ी मॉन्स्टर लुक में भाई आती है, और यहाँ पे देख सकते हो पल्सर N160 ब्लैक कलर में भी है, और यहाँ पे नया कलर लॉन्च हुआ है 2024 में ब्लू कलर, ये भी है। तो भाई इसकी मैंने वीडियो पर्टिकुलरली एक अकेली वीडियो ही बनाई थी इसकी, तो आप जो है वो भी चैनल पे देख सकते हो। और इसकी प्राइसिंग के बारे में बात कर लेते हैं, तो इसकी यार एक शोरूम जो प्राइसिंग है वो आपको यार पड़ जाती है आपकी 1,28,403 रुपीज़ की, और आपकी ऑन रोड जो पड़ती है 1,56,068 रुपीज़ की। तो यार कलर्स के जो है कोई भी प्राइस से अलग ऊपर नीचे नहीं है, आपको जो है इतने ही प्राइस में आप कोई भी कलर ले सकते हो, और बाकी आपको जो एसेसरीज़ लगवानी है वो भी आप ले सकते हो। N160 जैसे हमने कवर कर ली, तो अब N160 की जगह NS160 के बारे में बात करते हैं, जो कि हमारी आगे खड़ी हुई है। यहाँ पे देखो ये गाड़ी हमारी NS160 है, जो कि काफ़ी ज़्यादा जो है ये भी फेमस है, और इसमें जो है आपको क्लिप ऑन हैंडल्स मिल जाता है, इसका काफ़ी बढ़िया जो है इसका RPM मीटर है, काफ़ी लुक बढ़िया आता है, आपको स्प्लिट सीट मिलती है और काफ़ी बढ़िया है। कलर आपको जो है इसमें जो है देख सकते हो ब्लैक कलर, इसमें आपको USD सस्पेंशन भी मिल जाते हैं। और इसमें जो है हम इसकी प्राइसिंग के बारे में बात कर लेते हैं, तो देखो NS की जो है आपको यहाँ पे आपको जो प्राइसिंग है शोरूम पड़ती है वो 1,38,208 रुपीज़ की पड़ती है, और ऑन रोड के बारे में बात कर लेते हैं, जो भाई हमारे लखनऊ से हैं तो ऑन रोड प्राइसिंग जो है उनको 1,67,143 रुपीज़ की पड़ती है। जिन्हें NS160 लेनी है तो वो जो है इस गाड़ी को ले सकते हैं JPS बजाज पुरनिया से। और अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके बगल में ही खड़ी हुई है NS200, जो कि काफ़ी ज़्यादा जो है हमारी ये गाड़ी फेमस है यूथ के ग्रुप में, और भाई ये गाड़ी लगती भी एक नेक्स्ट लेवल की है, क्योंकि इसमें USD सस्पेंशन दे के रखा है, एक्सीलरेशन बहुत बढ़िया है, 0 to 100 बहुत ज़्यादा तेज़ भागती है, काफ़ी बढ़िया कंफर्ट आता है, काफ़ी बढ़िया इसकी क्वालिटी है, बजाज का भरोसा है। तो अब हम जो है यार इसकी देखो बात कर लेते हैं, इसमें डुअल चैनल ABS पे भी है भाई, ये भी डुअल चैनल ABS है, ये भी डुअल चैनल ABS है, और इसकी प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं, तो इसकी एक शोरूम प्राइस है 1,51,917 रुपीज़ की, और एक्स ऑन रोड प्राइस जो हमारी पड़ जाती है 1,82,847 रुपीज़ की। तो जो भाई हमारे लखनऊ से हैं वो जो है गाड़ी को आप ले भी सकते हो। बगल में मैंने जैसे बताया था N125 की जो है NS125, उसका तीसरा कलर यही है भाई ब्लू कलर। और अब एक गाड़ी हम आपको ऐसी बताने वाले हैं जो कि हमारी R15 को डायरेक्ट टक्कर देती है उसी सेगमेंट में, जो हमारी गाड़ी है यहाँ पे पल्सर RS200। तो भाई इस गाड़ी को मैंने वीडियो कवर किया है, चैनल पर पड़ी है, देख सकते हो, काफ़ी बढ़िया लगती है। R15 से सस्ती है, R15 से ज़्यादा पावर देती है, ज़्यादा लंबा खींचती है, एक्सीलरेशन भी बहुत तगड़ा है, 0 to 100 भी बहुत तेज़ी से जाती है। तो इसके प्राइसिंग के बारे में बात कर लेते हैं, एक शोरूम प्राइसिंग इसका है 1,73,062 रुपीज़ का, और गाइस इसकी ऑन रोड प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं, अगर लखनऊ से हो तो ऑन रोड प्राइस जो है इसकी 2,06,682 रुपीज़ का पड़ता है। तो
तो इस प्राइस सेगमेंट में जो है ये गाड़ी काफ़ी बढ़िया है, और R15 को डायरेक्ट कॉम्पिटिशन जो है इसका डायरेक्ट जो है इसको चैलेंज करती है। तो अब हमारी जो है लेजेंड बाइक की तरफ बढ़ते हैं, और वो बाइक जो है पूरे इंडिया ने जो है बहुत ज़्यादा जो उसको प्यार दिया था, उसी की वजह से जो पल्सर बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी 150 के साथ साथ 220F जो कि हमारी लेजेंड बाइक में गिनी जाती है। यहाँ पे देख सकते हो ये है बजाज पल्सर 220F लास्ट बाइक है यहाँ पे। तो भाई इसी को कवर करते हैं। इसमें यार बहुत बढ़िया है, 220cc का इसमें इंजन मिल जाता है। और इसकी प्राइसिंग के बारे में बात कर लेते हैं, तो इसकी एक्स शोरूम प्राइस है 138,157 रुपीज़, और ऑन रोड के बारे में बात करते हैं तो 167,319 रुपीज़ की पड़ जाती है। तो गाइस मैंने सारे ही जो है लगभग गाड़ियों के जो है प्राइस को कवर किया हुआ है, एक्स शोरूम और ऑन रोड प्राइस जितनी यहाँ पे थी मैंने सभी गाड़ियों के प्राइसेस को कवर कर लिया है। और कोई भी आपको जो है शोरूम की गाड़ियों के प्राइसेस जानना तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो नहीं किया तो यहाँ पे प्रोफाइल आ रही है जाके फॉलो कर सकते हो, और कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा आप हमें कमेंट में बता सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गाइस जय हिंद, वंदे मातरम।